आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सब का रेडियो। मैं रेणु उपाध्याय आपके साथ अपनी भावनाएं, अपने विचार शेयर करने वाली हूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट से रिटायर की। उसके पहले वर्षों में केंद्रीय विद्यालयों में, विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में हमारा ट्रांसफरेबल जॉब है, तो विभिन्न स्थानों पर भी प्रिंसिपल के रूप में वर्षों काम की। और इस नाते मैंने क्या फील किया, आज मैं इसी विषय पर ज़्यादा बात करूँगी। वैसे 21वीं सदी मैं समझती हूँ ये नारी की सदी है। नारी आज जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, प्रयास कर रही है और झंडे गाड़ रही है सफलता के, ऐसा एकदम ड्रास्टिकली हुआ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नारी ही नारी छाई हुई है। ऐसा नहीं है कि 21वीं शताब्दी में ही पहला कदम उठाया गया, इसके पहले भी बहुत सारी महिलाओं ने विकास में योगदान दिया। सबसे पहले मैं भारत की दो महिला राष्ट्रपतियों के बारे में बात करना चाहूँगी, महामहिम प्रतिभा पाटिल जी और महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो पूरे भारत की राष्ट्रपति के रूप में अपना बहुत ही गौरवशाली और अनमोल योगदान दे रही हैं। प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, प्रथम भारतीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमार अमृत कौर थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो कहने का मतलब कि एक लंबी लिस्ट है जिसमें महिलाओं ने हर फील्ड में बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया और ये साबित कर दिखाया कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। निश्चित रूप से इसमें उनका टैलेंट, आगे बढ़ने की क्षमता और पारिवारिक सपोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। और आज भी ये जो प्रोत्साहन और जो सहयोग का जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत है। अभी भी महिलाओं को, बेटियों को खास तौर पर आगे बढ़ने का मौका पेरेंट्स देते हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि 21वीं शताब्दी में तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और विकास के लिए लोगों का दृष्टिकोण, हमारे समाज का दृष्टिकोण भी बहुत बदला है पहले की अपेक्षा, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी महिलाओं ने बहुत ज़्यादा बंदिशों के अंदर रहने के बावजूद अच्छे काम किए और मिसाल कायम की। मैं विशेष रूप से प्रथम भारतीय महिला पायलट सरला ठुकराल जी के बारे में बात करना चाहूँगी। जब उन्होंने पहली बार एरोप्लेन चलाया तो उन्हें यह पता भी नहीं था कि वो इतिहास रचने जा रही हैं। आपको पता है, फ्लाइंग स्कूल में उनका एडमिशन उनके ससुर जी ने दिलाया था। ये अपने आप में एक उदाहरण है। वैसे तो जो प्रथम कमर्शियल पायलट प्रेम माथुर हुई और एविएशन में दुर्गा बैनर्जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन पहली जो महिला पायलट सरला ठुकराल थी, साड़ी पहन के उन्होंने प्लेन चलाया था और धन्य है उनके ससुर जी जिन्होंने उनको ऐसा करने का मौका दिया। तो मैं समझती हूँ कि ये जो परिवारों का दृष्टिकोण बदला है, समाज का दृष्टिकोण बदला है और नारी की जो स्थिति है उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हर स्तर पर प्रयत्न हुए हैं, तो इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि 19वीं 20वीं शताब्दी जारी, उससे भी पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं ने अपना योगदान दिया था, तो उस समय से लेके आज तक ये सिलसिला चल रहा है, आगे बढ़ रहा है और अब तो ड्रास्टिकली मैंने कहा आगे बढ़ चुका है। अब महिलाओं का रास्ता कोई नहीं रोक सकता और वो हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही हैं। मिग से लेकर के जो F-16 विमान है वो चला रही हैं, लड़ाकू विमान चला रही हैं और वो इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर रही हैं, टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर रही हैं, फ्रीडम फाइटर तो थी ही, अब भारतीय फाइटर पायलट भी बन चुकी हैं। प्रथम भारतीय फाइटर पायलट भावना कंठ जी थी और प्रथम भारतीय एयर मार्शल पद्मा बंद्योपाध्याय थी। तो इस तरह से पुलिस का क्षेत्र हो या एविएशन हो, स्पोर्ट्स हो, जर्नलिज्म हो, साहित्य हो और समाज का कोई भी अंग हो, कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं ने इसमें अपना अनुपम योगदान, अनुपम भूमिका अदा की है। आगे बढ़ने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। साहित्य की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और मैं समझती हूँ कि कृष्णा सोबती से लेकर अलका सरावगी, अमृता प्रीतम, मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा आदि ने अपने साहित्य के जरिए स्त्री की दशा को सुधारने का प्रयत्न किया, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया और इस सिलसिले को जारी रखा। इसके अलावा साइंस के क्षेत्र में भी राजेश्वरी चटर्जी, विभा चौधरी, सीमा चटर्जी ने मिसाल कायम की
और अभी जो चंद्रयान का जो अभियान सफल अभियान रहा उसमें ऋतु करियाल लखनऊ की, उन्होंने बहुत उल्लेखनीय भूमिका निभाई। ऋतु करियाल श्रीवास्तव, उनके योगदान के चलते रॉकेट वुमेन की संज्ञा दी गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय जो महिलाएं हैं वो उत्तरोत्तर 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और शताब्दी में आगे बढ़ती गई, और आज जो महिलाओं का क्षेत्र है वो इतना विस्तृत हो चुका है कि कोई कह नहीं सकता कि वो पीछे है, कहीं पीछे नहीं है। मैं समझती हूँ कि पाषाण युग से वैज्ञानिक युग तक का सफ़र और रसोई घर से आंगन तक का सफ़र तय करके नारी बहुत आगे निकल आई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज नारे लग रहे हैं, तुम शक्ति हो, तुम दया हो, त्याग हो, सुखद बदलाव है सम्मान के नाम पर। पर क्या बदले वक्त के साथ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर पाती है, ख्वाहिशों को जीत पाती है? दिल से सोचने की बात है। संस्कारों की बेड़ियां उसने तोड़ी नहीं, पर नहीं सहेगी अत्याचार अब अपने सतीत्व पर और प्रहार। कागज पर लिखा वो लफ्ज नहीं कि मिटाने पर मिट जाएगी। सहनशीलता और समर्पण के दायरे से मूल्यांकित होने वाली 21वीं सदी की नारी उसी निर्मलता से दुनिया को बेरुखी से झेलते सफलता का ग्रंथ लिख रही है। मैं सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात क्या मानती हूँ कि महिलाओं ने इतनी दूरी तय की, इतना संघर्ष किया और आगे से आगे बढ़ती ही रहीं, लेकिन उन्होंने परिवार की अवहेलना कभी नहीं की। माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में अपनी सारी भूमिकाओं को अदा करते हुए नारी ने ये विकास यात्रा तय की, और इसमें कहीं भी समाज से या परिवार से वो अलग नहीं रहीं। ये खास बात है। तो मैं समझती हूँ कि सपोर्ट की, जैसे पुरुषों को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की, पारिवारिक सपोर्ट की खास तौर पर बेहद ज़रूरत रहती है, तो नारियों को भी ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, जो मिल रहा है उन्हें अब, और वो आगे बढ़ रही हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारा जो संघर्ष है वो किसी पुरुष नाम के जीव के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम लोग को मिलजुल कर आगे बढ़ना है। पुरुष नाम के जीव तो पुरुष पिता भी है, पुरुष भाई भी है, पुरुष बेटा भी है। तो जब परिवार के साथ रहकर हमें अपनी दूरी तय करनी है, आगे बढ़ते रहना है, तो हम इन सपोर्ट्स की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? और ये जो लड़ाई है आगे बढ़ने की, ये किसी पुरुष नाम के जीव से, किसी से, किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि एक्चुअली हमें उसी तरह आगे बढ़ना है जैसे पुरुषों का भी उद्देश्य हो सकता है। पुरुष हो या नारी, सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबको अपनी जो अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना चाहिए, और जीवन में एक लक्ष्य तय करके उस लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। यहाँ स्त्री पुरुष नहीं है, इसमें कोई विभेद नहीं है, सबको बढ़ना है। और जिस तरह से पुरुषों को परिवार में सपोर्ट की ज़रूरत होती है, स्त्रियों को भी होती है, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी मानसिकता ये पूरी तरह नहीं बदली है। एक तरफ तो विकास भी दिखाई पड़ता है, सपोर्ट भी दिखाई पड़ता है, और इसलिए विकास तेजी से हो भी रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये अभी आम बात नहीं है। अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों को बेड़ियों में रखना चाहते हैं, और अगर वो आगे बढ़ती भी है तो घरेलू कलह, हिंसा और डिमोरलाइज करना, और जो रेप के केसेस हैं, इन सब का सामना स्त्रियों को अभी भी करना पड़ता है। मैं समझती हूँ कि ये बातें कानून बनाने से हासिल नहीं होंगे। वैसे तो सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, अब संपत्ति में भी महिलाओं को बराबर का हक प्राप्त है, और इसके अलावा सरकार के द्वारा जो भी अधिकार मिले हैं, इसके अलावा हमारा संविधान समता का अधिकार देता है, तो नारियों के भी स्त्री पुरुष के बीच समानता का अधिकार देता है। और सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिससे महिला का जीवन थोड़ा आसान हुआ है। अब जैसे छोटी छोटी योजनाएं, जैसे उज्ज्वला योजना वगैरह को भी बोले, तो ये योजनाएं देखने में ये छोटी लगती हैं, बड़ी हैं एक्चुअली, क्योंकि महिला का जीवन घर में आसान होगा तो ही वो समय निकालकर बाहर के लिए काम कर पाएगी। और आज महिलाओं की चिंता सिर्फ परिवार से जुड़ी नहीं है, परिवार के बाद समाज है, देश है, और अब तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं। तो अब हमारे अधिकारों से वंचित करने वाला कोई नहीं है। और जहाँ तक रेप केसेस की बात है, घरेलू हिंसा की बात है, ये तो झेलना पड़ रहा है। अभी भी हमारा समाज इतना सुसंस्कृत नहीं हुआ है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा ये संदेश है कि बच्चियों को छोटी उम्र से ही कुछ मार्शल आर्ट की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो आत्मरक्षा कर सकें। और ये जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो महिलाओं को पीछे की ओर धकेलता है, इस फैक्टर को जीत लें। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि हमें अपना संघर्ष, अपनी लड़ाई किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, हमें अपने जो सफलता है उसको पाने के लिए आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है, तो ये स्त्री बनकर ही करना है।
हमें पुरुषों की नकल करके या पुरुषों के समान आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हम नारी हैं और नारी पूरे समाज के लिए, देश के लिए एक आभूषण है। हम आधी आबादी हैं और हमारे ऊपर पूरे देश का विकास निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में मैं सलाह दूंगी बहनों को कि वो अपने स्त्रीत्व को बरकरार रखें और जो जहाँ तक समाज में जो पुरुषों के विचारों का सवाल है, तो मैं ये कहूँगी कि सभी वैसे नहीं हैं। अब तो बहुत सहयोग मिलता है, घरों में भी सहयोग मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मुंह के सामने कुछ और बोलते हैं और घर में कुछ और होते हैं वो। और नारी को वो दुर्गा से, तो नारी की तुलना दुर्गा से कभी करते हैं, कभी वो लक्ष्मी बाई से करते हैं, और मंच पर माइक के सामने बड़े बड़े भाषण दिया करते हैं, नारी को बिल्कुल ईश्वर ही बना देते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि नहीं, ईश्वर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप नारी को नारी ही रहने दें, आप एक साधारण मानवी रहने दें, उसको उसी में खुश है और अपने विकास की मंजिलें वो खुद तय कर लेगी। ये नारी ही तय करेगी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे कोई सिखाएगा नहीं, कोई इस पर डिक्टेट नहीं करेगा। तो ये बदलाव ऑलरेडी आ रहा है, नारियां हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि जो फायर फाइटर हैं उसमें अभी पुणे का से एक सवाल आया, प्रथम जो पुणे की महिला फायर फाइटर रही हैं, वो भी एक छोटी सी लड़की है और वो इतना कुछ करके दिखा रही है। तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वो मिग और F-16 जैसे विमानों को, लड़ाकू विमानों को चलाने की बात हो या घर में रसोई घर में खाना बनाना हो, वो खाना भी बना सकती है, वो मिग भी उड़ा सकती है और वो पूरे समाज के लिए वो सब कुछ कर सकती है जिसकी ज़रूरत समाज को है। इसलिए मैं समझती हूँ सिर्फ पारिवारिक सपोर्ट, समाज का जो बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड और नारी को प्रोत्साहन, ये मिलते रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो नारी कभी पीछे नहीं हटेगी और वो बढ़ रही है और देश के विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो मैं यही आप सबसे गुजारिश करूंगी, यही मेरा संदेश है कि रुको नहीं नारी, तुम झुको नहीं नारी, अन्याय के सामने कभी मत झुको और अपनी लड़ाई नारी बनकर ही तय करो। अपनी जो भी संघर्ष है उसको नारी बनकर ही हासिल करना है और सबसे बढ़कर जो सम्मान हमें प्राप्त है माँ, तो बच्चों के लालन पालन को भी बहुत खूबी के साथ करते हुए हम देश को बहुत ही योग्य नागरिक भी दे रहे हैं। तो नारी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, हर क्षेत्र में नारी आगे बढ़ रही है और अब वो आगे बढ़ेगी, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। धन्यवाद।